एक बार एक तालाब पर चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर उस तालाब के पास आने जाने वालों को मार डाला करती थी। उसी तालाब के पास एक गांव में मदन नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसे इन बर्तनों को बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो एक अच्छा जीवन जी सके, इसलिए वो अक्सर दुखी रहा करता था। एक दिन उसका एक दोस्त शामू उसकी दुकान पर आता है। और भाई मदन, क्या हाल चाल है? अरे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अब शामू भाई, क्या बताऊं और क्या छुपाऊं, वही रोज रोज की छिक छिक। तुम्हारी भाभी रोज बोलती है कि पैसे लाओ पैसे लाओ। अब क्या करूं इन मिट्टी के बर्तनों का, कोई नहीं खरीदता। तो मैं तो परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। तो ये बात है, अरे दुखी क्यों होते हो? अगर अभी इस धंधे से पैसे नहीं आ रहे तो धंधा बदल लो, समझा नहीं? अरे भाई कुछ और बना लो, सुना है शहर में मिट्टी के खिलौनों की काफी डिमांड है, वही बना लो। ऐसा कहकर शामू वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बात मदन के दिमाग में घर कर जाती है। ये शामू बात तो पते की करता है, चलो आज से मिट्टी के खिलौने ही बनाता हूँ। उसके बाद मदन खिलौने बनाने के लिए मिट्टी लेने एक तालाब के पास जाता है और मिट्टी लेने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस तालाब में एक चुड़ैल का साया है। वो चुपचाप तालाब से मिट्टी लेने लगता है, उधर चुड़ैल भी तालाब के किनारे से उसे देख रही होती है। आज तो काफी अच्छी मिट्टी मिल गई है, इससे तो काफी अच्छे खिलौने बन जाएंगे, चलो वापस अपनी दुकान पर चलता हूँ। मदन ऐसा कहकर वापस अपनी दुकान की ओर चल देता है। वो चुड़ैल भी मदन के पीछे पीछे चल देती है। उसके बाद मदन अपनी दुकान पर आकर खिलौने बनाने लगता है। चलो पहले एक औरत बनाता हूँ, देखता हूँ कैसी बनती है, फिर बाकी के खिलौने बनाऊंगा। मदन उधर खिलौने बना रहा होता है, इधर चुड़ैल भी उसके पीछे एक दीवार से चिपकी हुई सब कुछ देख रही होती है। थोड़ी ही देर में मदन एक सुंदर सी औरत की मूर्ति बना देता है। चुड़ैल ये देख कर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या सुंदर मूर्ति बनाई है, कितना अच्छा कलाकार है ये तो। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये मूर्ति, अगर ये जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता बाबा। अरे वाह, क्यों ना इस मूर्ति के अंदर ही समा जाऊं, इस तरह मुझे एक नया शरीर भी मिल जाएगा और जैसा कि ये कुम्हार कह रहा है ये मुझसे शादी भी कर लेगा। मजा आ जाएगा, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल उस मूर्ति के अंदर समा जाती है और मूर्ति जिंदा हो जाती है। अरे 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 मर गया, अरे ये मूर्ति जिंदा कैसे हो गई, ये क्या जादू है? ये जादू नहीं है जानू। तुम्ही तो कह रहे थे कि अगर ये मूर्ति जिंदा हो जाती है तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। लो अब हो गई जिंदा, कर लो शादी। माफ कर दो मुझे, मुझे मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, जाने दो मुझे। क्या शादी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ये क्या लगाया हुआ है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? देखो एक बार मेरी तरफ प्यार से, अगर तुम अपनी बीवी को ना भूल जाओ तो मुझे कहना। चमन जैसे ही चुड़ैल की तरफ देखता है, चुड़ैल उसे सम्मोहित कर लेती है। मुझे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम मेरे गुलाम हो गए हो, अब जो भी मैं बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। उसके बाद सम्मोहित हुआ मदन अपने घर की ओर चल पड़ता है और उसके साथ साथ चुड़ैल भी चल पड़ती है। घर पहुँचते ही मदन की बीवी सीमा उस पर गुस्से में टूट पड़ती है। क्या उखाड़ कर आए हो आज, लाओ कुछ पैसे वैसे हैं तो, आते तो रोज ऐसे लेट हो जैसे पैसों का अंबार लगा दोगे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, और ये क्या मिट्टी की औरत बना कर लाए हो, फेंको इसे घर के बाहर, पता नहीं क्या कूड़ा कबाड़ा उठा कर ले आते हो कबाड़ी की तरह। इस बात पर मदन को गुस्सा आ जाता है। ए औरत, बहुत देर से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ, लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, तू कहीं भी मर लेकिन ये मूर्ति यहीं रहेगी। ऐसा कहकर मदन सीमा को घर से बाहर निकाल देता है। सीमा रोते हुए मदन के दोस्त शामू के पास जाती है
और उसे पूरी बात बताती है। तो ये बात है सीमा बहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। एक काम करो, कुछ दिन आप यही मेरे घर पर रुक जाओ, मैं देखता हूँ, फिर मदन से बात करूँगा। एक मूर्ति के लिए उसने आपको घर से निकाल दिया, हैरानी की बात है ये तो। उधर मदन को सम्मोहन से होश आता है और वो देखता है कि चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। वाह जानू, लगता है तुम भी मुझे प्यार करने लग गए हो। तुमने मेरी खातिर अपनी बीवी को भगा दिया, वाह मजा ही आ गया। अरे अरे मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़ दे, वो मेरी बीवी है, पुलिस से ज्यादा खतरनाक है वो। वो इस गलती के लिए मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर ले सकूं। चुप, कितना डरपोक है तू, एक औरत से इतना डरता है? अरे डर मत, मैं हूँ ना। और रही पैसों की बात, अब देख मैं तुझे कितना माला माल कर दूंगी, फिर घर तो क्या तू महल भी बना लेगा मेरे राजा। उसके बाद चुड़ैल मदन को वापस से सम्मोहित कर देती है और वहाँ से चली जाती है, और थोड़ी देर बाद वहाँ काफी पैसों के साथ आ जाती है और मदन को वापस ठीक कर देती है। ये लो जानू, लो पैसे, अब तो खुश हो जाओ, और एक पप्पी दे दो, दे दो दे दो दे दो। ये पैसे, वो भी इतने सारे, कहाँ से लाई हो तुम? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कुछ रईस लोग रास्ते पर जा रहे थे, मैंने उनको मार दिया और उनका सारा पैसा और जेवर उतार कर ले आई। लेकिन ये गलत है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये किसी को मार कर लूटे हुए पैसे और जेवर हैं। लेना है तो ले, नहीं तो फेंक दे, वैसे भी ये तुम इंसानों के पैसे, हम चुड़ैलों के किसी काम के नहीं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उधर मदन का दोस्त शामू भी मदन से मिलने आता है, लेकिन सम्मोहित मदन उससे भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। मदन, ये तूने भाभी के साथ अच्छा नहीं किया, तुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था और घर से भी निकाल दिया, वो तेरी बीवी है, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो उस दुष्ट औरत के साथ साथ मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शामू मदन की बात सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते समय उसे वो औरत की मूर्ति वहाँ दिख जाती है। ये मदन तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं कर सकता, और भाभी से तो इतना डरता है। ओ ना हो, इस मूर्ति में ही कुछ गड़बड़ है, आज रात को इसके घर पर ही छुप कर देखता हूँ। और उसके बाद शामू मदन के घर के बाहर छिप जाता है। रात होते ही चुड़ैल उस मूर्ति से बाहर निकलती है और बाहर चली आती है। ये सब शामू खिड़की से देख रहा होता है। अरे मर गया, अरे ये तो चुड़ैल का मामला है, जल्दी से मुझे कुछ करना होगा और भाभी को भी बताना होगा, नहीं तो मदन किसी भारी संकट में फंस जाएगा। फिर चुड़ैल आकर मूर्ति में चली जाती है और मदन को सम्मोहित करके अपने साथ ले जाती है और बाहर जा रहे दो आदमियों को मार डालती है। ऐसे तो काबू में नहीं आ रहा, क्यों ना इसे भी अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया जाए। आओ मदन, चलो इन दोनों का मांस खाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं इंसान होकर इंसान का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं, ये ठीक नहीं है। जैसे मैं खा रही हूँ वैसे ही तुम्हें भी खाना है, और अब वैसे भी तुम इंसान कहाँ रहे, अब तो तुम मेरे गुलाम हो गए हो। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों मरे हुए इंसानों का मांस खाने लगती है, और दूसरी तरफ शामू जाकर सीमा को सब बताता है। तभी मैं कहूँ भैया कि ये चूहा एकदम से शेर कैसे बन गया, तो ये सारी ताकत उस चुड़ैल ने दी है, लेकिन मुझे अपने पति को बचाना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल उसको अपना बना लेगी और मार भी तो सकती है। लेकिन हम इस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? मैं तो कहता हूँ अपने गांव के तांत्रिक लल्लू को बुला लेते हैं। उसके बाद शामू और सीमा लल्लू तांत्रिक को लेकर मदन के घर पहुँचते हैं। सीमा मदन को बुलाती है, चुड़ैल बाहर आती है और तांत्रिक को देखते ही उसे गर्दन से पकड़ कर उठा लेती है। अरे शामू, मेरी मौत का इंतजार कर रहा है क्या? जल्दी से वो मूर्ति तोड़ दे। शामू वैसा ही करता है और मूर्ति को तोड़ देता है।
मूर्ति को तोड़ते ही चुड़ैल भी जलने लग जाती है।